आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी की दो वर्चुअल रैलियां आज होनी है। जैसा कि वर्चुअल रैलियां शुरू हो चुकी हैं, 11:30 बजे पल्लवी पटेल रैली को संबोधित करेंगी, वहीं 4 बजे हरेन सिंह मलिक रैली को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि वर्चुअल रैलियां समाजवादी पार्टी की होनी है, दो वर्चुअल रैलियां समाजवादी पार्टी करेगा। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा की चुनाव में सभी पार्टियां पूरी तरह से लग गए हैं, इसी बीच आज समाजवादी पार्टी वर्चुअल रैली की शुरुआत करेगा। समाजवादी पार्टी आज दो रैली करेगा, पहली रैली 11:30 बजे पल्लवी पटेल संबोधित करेंगे, वही दूसरी रैली 4 बजे होनी है। आपको बता दें कि सभी पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार लगी हुई है और रैलियों की शुरुआत हो गई है। और इसी खबर पर संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, अपना दल कृष्णा गुट और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है और यह सपा की पहली वर्चुअल रैली है, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए त्रिशला, मैं आपको बता दूं कि कल भी एक वर्चुअल रैली जो थी वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कार्यालय ने संबोधित करी थी। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर ये वर्चुअल रैली हुई थी और आज ये दूसरी वर्चुअल रैली है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जो होनी है। और इस रैली में सबसे अहम बात यह है कि अपना दल की जो कैमरावादी है, क्योंकि अपना दल के कई सारे जो गुट है उसी में एक बड़ी बहन जो है पल्लवी पटेल, पल्लवी यादव के नाम से भी वो जानी जाती है, तो ऐसे में पल्लवी यादव आज समाजवादी पार्टी के खेमे में वर्चुअल रैली करती हुई नजर आएंगी। सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि कल ही जितने भी सहयोगी दल हैं बीजेपी के, उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें अपना दल की अनुप्रिया पटेल थी, अपना दल सोनेवाल की, निषाद पार्टी से संजय निषाद थे, और उनका चुनावों को लेकर और बीजेपी को लेकर क्या मत है, उन मतों को मीडिया के सामने रखा गया था, जिसमें साफ तौर पर जो अनुप्रिया पटेल है अपना दल सोनेवाल की और पल्लवी पटेल की बड़ी बहन, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम 2017 से ही बीजेपी के साथ हैं, 2014 के चुनाव में भी हमने सहयोग किया था और 2019 के चुनाव में भी हम बढ़ चढ़ करके बीजेपी के साथ रहे हैं, तो ऐसे में जो 2022 का चुनाव है उस चुनाव में भी हम बीजेपी के साथ रहेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि हम 300 प्लस सीटें इस बार जीतने वाले हैं। इसके अलावा संजय निषाद ने भी इस बात को सहमत कर दिया कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे और अगर कोई दूसरा दल चाहता है बीजेपी के साथ आना तो वो भी आ सकता है। साफ तौर पर उन्होंने विपक्षियों के लिए बात बोली थी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इस बार कोविड को देखते हुए चुनाव आयोग ने नियम बनाए हैं कि जितनी भी रैलियां होंगी वो सारी रैलियां जो है वो वर्चुअल ही होंगी, पब्लिक गैदरिंग नहीं होनी है किसी भी पार्टी कार्यालय पर, तो उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज एक अहम रैली का आयोजन किया गया है, वर्चुअल रैली है ये, और उसको ट्विटर के माध्यम से समाजवादी पार्टी ट्विटर हैंडल से ये अपने कार्यकर्ताओं को बता भी दिया गया है कि सभी लोग 11:30 बजे वर्चुअल माध्यम से समाजवादी पार्टी कार्यालय के पेज से जुड़ेंगे। जी, अहम बात ये है कि अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन पल्लवी पटेल इस जो आज की जो रैली होनी है डिजिटल रैली, इसमें वो सबसे अहम रहेंगी और वही जो कार्यकर्ता है, जो जनता है, उन्हें संबोधित करने वाली है। इन दोनों के बीच में एक लंबी सियासी लड़ाई हमेशा से ही रही है। दोनों बहन और माँ की अगर बात करी जाए तो बड़ी बहन पल्लवी पटेल, पल्लवी यादव, और इसके अलावा उनकी जो माता है राजमाता के नाम से वो जानी जाती है, ये दोनों ही गुट जो है वो एक तरफ समाजवादी पार्टी के साथ है माँ बेटी, और दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल सोनेवाल से है, इस वक्त सांसद भी हैं और उनके कई सारे विधायक भी बीते चुनाव में उत्तर प्रदेश में जीत के आए थे, कई सारे सांसद भी जीत के आए थे, वो अभी भी बीजेपी के साथ है। तो ये जो लड़ाई है ये बहुत ही अहम है और कहीं ना कहीं एक अहम लड़ाई जो अपना दल सोनेवाल की जो अनुप्रिया पटेल है उन्होंने अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ी है और वो इस वक्त यहाँ पर पहुंची है। दूसरी तरफ ये जो माँ और बेटी जो अलग हुई है, जिसमें पल्लवी पटेल है और उनकी माँ है, ये भी कहीं ना कहीं अब अपनी राजनीतिक जमीन जो है उसे मजबूत करने में लगी हुई है और वो ये जान रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ तो नहीं हो सकते हैं, अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो अनुप्रिया पटेल के साथ जाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का रास्ता चुना है और उनके प्रयास, उनकी कोशिश यही है कि 2022 का जो चुनाव है अगर सपा उसमें जीतती है
हैं, तो अहम स्थान जो है वो अपना दल कमेरावादियों को मिलेगा। जी नितिन, अभी जल्दी ही अनुप्रिया पटेल की मां जो कृष्णा पटेल हैं, उनका बयान आया था सपा में शामिल होने के बाद कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने प्रेस वार्ता करके सुरक्षा भी मांगी थी लेकिन उनको सुरक्षा नहीं मिली। उन्होंने अपने दामाद पे भी काफी सारे आरोप लगाए हैं, तो कहां तक इसमें सच्चाई है? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कृष्णा पटेल ने अभी बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर ही, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि जब से वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आई हैं, जब से उन्होंने सपा ज्वाइन की है, और ये कहा है कि 2022 का जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने वाली है, उसके बाद से उन्हें कई सारे नंबर से फोन आ रहे हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप सपा का साथ छोड़ दीजिए नहीं तो सही आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनके पति सोनेलाल पटेल की जो हत्या हुई थी उसकी सीबीआई जांच अभी भी चल रही है, और उसको देखते हुए भी कुछ लोगों ने उन्हें फोन किया था और फोन के माध्यम से ये कहा था कि अपने पति की जो जांच है उस जांच को बंद करवा दो, जांच मत करवाओ। उन्होंने ये कहा था कि हमने इसकी शिकायत जो है वो उच्च अधिकारियों से की है, अभी तक FIR दर्ज नहीं करवाई है, नंबर भी सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन डीजीपी तक इसकी शिकायत जो है वो पहुंचाई है। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही है कि उनके कुछ अपने ही लोग हैं जो लगातार इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका इशारा कहीं ना कहीं अपनी बेटी और अपने दामाद के ऊपर ही था, अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल के ऊपर ही। और ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये आज की लड़ाई नहीं है, तो ये लंबी लड़ाई चल रही है जब से सोनेलाल पटेल की हत्या हुई, उसके बाद ये दोनों बड़ी बहनें, ये दोनों जो बहनें थी और माँ, ये सब अलग हो गए, उसके बाद से ये लड़ाई चली आ रही है, और उसके बाद से इस तरह के जो फोन कॉल्स है वो लगातार जो कृष्णा पटेल है उन्हें आ रहे थे। लेकिन अभी की जो बात करी जा रही है, क्योंकि कृष्णा पटेल ने साफ तौर पर कहा कि जब से वो समाजवादी पार्टी के साथ आई है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, इस बात का ऐलान किया है कि वो सपा के साथ है, तब से ये थ्रेट कॉल्स जो है वो उनकी संख्या बढ़ गई है, लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं और उनको अभी भी अपनी जान का खतरा है। जाहिर सी बात है कि ये कॉल कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैंने इसकी FIR भी नहीं कराई है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। अभी कॉल्स कौन कर रहा है, क्या उनके दामाद या उनकी बड़ी बेटी की तरफ से इस तरह के थ्रेट कॉल्स करवाए जा रहे हैं, ये भी जांच का विषय है, लेकिन अभी तक इसको लेकर के FIR अभी कृष्णा पटेल ने दर्ज नहीं करवाई है, सिर्फ मीडिया के सामने आकर उन्होंने इस बात को कहा है। नितिन, कृष्णा पटेल ने सुरक्षा की भी मांग की थी, तो उन्होंने जैसा बताया कि उन्होंने भाजपा सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा था, तो क्या अगर केंद्र सरकार उन्हें नहीं सुरक्षा देती है तो क्या अखिलेश यादव उनको सुरक्षा देने पे कोई विचार कर सकते हैं? देखिए अखिलेश यादव के हाथ में नहीं है किसी प्रकार की कोई सुरक्षा देना, क्योंकि अखिलेश यादव की खुद की सुरक्षा भी कुछ दिनों पहले हटा ली गई थी जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे दूसरी बार उत्तर प्रदेश के, उनकी जो SPG की यूनिट थी वो हटा ली गई थी, और उनको भी अचानक से इस बात का पता चला था और उसको लेकर के लगातार अखिलेश यादव मुद्दा बनाते आए हैं। अब दूसरी चीज कृष्णा पटेल, क्योंकि उनको जो जितनी सिक्योरिटी मिलनी थी वो सिक्योरिटी ऑलरेडी उन्हें मिली हुई है, लेकिन उन्होंने मांग की है, मांग अगर ऑन पेपर की जाए, FIR दर्ज हो, और FIR दर्ज होने के बाद अगर पुलिस प्रशासन या गृह विभाग को लगता है कि कृष्णा पटेल को सुरक्षा दी जानी चाहिए किसी प्रकार की, तो भी वो सुरक्षा देगी। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आज जो पल्लवी पटेल वर्चुअल रैली करेंगे कृष्णा, उसमें साफ तौर पर इन बातों का भी जिक्र किया जाएगा कि जब से उनकी मां सपा के साथ आई है तब से लगातार उन्हें थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगी हुई है, उनकी सुरक्षा की दायरे को बढ़ाया नहीं जा रहा, ये सारे मुद्दे भी कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल उठाने वाली है। और एक और अहम बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज की ये जो वर्चुअल रैली होनी है इसमें हरेंद्र मलिक भी रहने वाले हैं। हरेंद्र मलिक के बारे में बता दूं कि हरेंद्र मलिक वो नाम है जो कुछ दिनों पहले तक प्रियंका गांधी के बड़े खास थे, प्रियंका गांधी की सलाहकार कमेटी के सदस्य हुआ करते थे, और अचानक से हरेंद्र मलिक नाराज हो गए। वो पूर्व सांसद रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनका कद काफी बड़ा था, प्रियंका गांधी के सलाहकार समिति के सदस्य रहे हैं, और इसके अलावा उनके बेटे पंकज मलिक, इन दोनों ही ने अभी बीते दिनों कांग्रेस छोड़ी है, और कांग्रेस छोड़ने के बाद इन दोनों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो 4 बजे हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करने वाले हैं। तो समाजवादी पार्टी का जो दायरा है, जो उनके कार्यकर्ताओं का दायरा है, जो उनके सीनियर लीडर्स का दायरा है, वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पल्लवी पटेल भी आज
अपनी जो बात है वो रखने वाली है। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी वोट बैंक है, जो ओबीसी वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक ही सबसे अहम समाजवादी पार्टी का के लिए रहा है, चाहे यादव की बात करी जाए या नॉन यादव की बात की जाए, और उसी में कुर्मी वोट बैंक भी आता है। नितिन, अगर बात वर्चुअल और डिजिटल रैली की जाए तो 2014 के चुनाव से ही भाजपा इसमें सबसे आगे नजर आई है। भाजपा सांसद रवि किशन दो दिन पहले ही बोल रहे थे कि उनका आईटी सेल बहुत बड़ा है, ऐसे में सपा वर्चुअल के सामने भाजपा से कितनी मजबूत है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर बीजेपी बहुत मजबूत है, चाहे उनका आईटी सेल की बात कर ली जाए या डिजिटल की बात कर ली जाए, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा ही बीजेपी जो है वो स्ट्रांग रही है, उनकी जो आईटी टीम है वो काफी स्ट्रांग है। और ऐसे में अगर बीजेपी के सांसद कह रहे हैं तो वो बात बिल्कुल सही है। और इसके अलावा जो विपक्षी दल है, जो विपक्ष के सीनियर लीडर्स हैं, चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए या फिर अन्य लीडर्स की बात की जाए, तो उनका भी साफ तौर पर इस बात का कहना लाजमी है, और हमेशा वो इस बात को कहते आए भी हैं कि जो जो डिजिटली स्ट्रांग जितना बीजेपी है, जितना उनके पास पैसा है, जितना उनके पास टीम है, इतना किसी और राजनीतिक दल के पास नहीं है। अहम बात ये भी है कि लगातार बीजेपी ने अपनी डिजिटल टीम पर काम किया है, चाहे वो ट्विटर के जरिए ट्वीट करना हो गया या रिट्वीट करना हो गया, या फिर सोशल मीडिया पर सोशल से रिलेटेड पोस्ट हो गए, सोशल मीडिया पर एक्टिवनेस हो गई, जितने भी लीडर्स हैं उनके, चाहे जो केंद्र के बात कर ली जाए या फिर स्टेट की बात कर ली जाए, वो लगातार ट्विटर के जरिए, लगातार सोशल मीडिया के जरिए खुद को स्ट्रांग किए रहते हैं, और उनकी अपनी अपनी टीम है। इसके अलावा बीजेपी की भी अपनी ट्विटर और सोशल मीडिया की मजबूत टीम है, आईटी सेल की मजबूत टीम है, तो वो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं डिजिटली ज्यादा स्ट्रांग है दूसरी पार्टी के मुकाबले। लेकिन अब देखना ये होगा कि कितना फायदा किसको मिलता है, क्योंकि डिजिटली तरीके से वोट नहीं पड़ने वाला है, वोट तो तभी पड़ेगा जब जनता को समझ आएगा, जनता अपने मुद्दे पर वोट देने आएगी। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रैलियां अगर करी जाएंगी तो जाहिर सी बात है जो पब्लिक है वो पब्लिक भी बहुत ज्यादा उसमें नहीं जुड़ने वाली। अहम बात यहाँ पर एक और ये भी है कि जब ये जो रैलियां होती हैं ये वर्चुअल ना हो करके जो पब्लिक गैदरिंग के जरिए जो रैलियां होती हैं उसमें जो पब्लिक इकट्ठा होती है वो ज्यादातर लोअर क्लास फैमिलीज के लोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उतने एक्टिव नहीं है, जो मोबाइल फोन का उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। गांव गरीब की जनता आती है, गांव जो ग्रामीण की जनता है वो आती है, किसान आता है, मजदूर आता है, तो जाहिर सी बात है वो उतना डिजिटली स्ट्रांग नहीं होता है और वो उन रैलियों के जरिए अपने नेता को सुनने आता है। लेकिन जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जोड़ दिए गए हैं रैलियों के जरिए, तो जाहिर सी बात है वो जो तबका है वो नेता की बात नहीं सुन पाएगा, वो जो डिजिटल रैलियां होंगी उसमें खाली कार्यकर्ता और नेता ही जुड़ पाएंगे, वही इनकी बात सुन सकते हैं, और जो लोग टीवी के सामने बैठे होंगे या मोबाइल फोन या फिर महंगे गैजेट्स के सामने बैठे होंगे वही इन बातों को सुन सकते हैं। तो जो गांव गरीब हो गया, जो जो किसान हो गया, वो इन रैलियों को नहीं सुन पाएगा, तो इसका भी नुकसान जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को काफी होने वाला है। जी धन्यवाद नितिन। देश में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना ने रोजाना आने वाले मामले अब 3 लाख के पार हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में आज कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए मामले आए हैं। कोरोना की तीसरी लहर में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना के नए मामले 3 लाख से ज्यादा आए हैं। साथ ही साथ यूपी में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 17,776 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोविड व कोविशील्ड को लेकर वैक्सीनों को इस्तेमाल करने के लिए शस्त्र बाजार में उतार दिए हैं। इससे अंतिम मंजूरी के लिए DCGI के पास भी भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कोरोना की दोनों लहर में कि 3 लाख मामला सामने आया है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है,
पांच राज्यों में कुल चुनाव है, आपको बता दें कि पांच राज्यों में चुनाव है। अभी तो वर्चुअल रैलियां चल रही हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद रैलियां भी शुरुआत होनी है। तो इसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि कहीं रैलियों के बाद और इस चुनावी में कोरोना का बम और बुरी तरह से ना फट जाए। आपको बता दें कि इस वक्त का सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं कोरोना बम बुरी तरह से ना फटे। जिस तरह पूरा राष्ट्र कोरोना महामारी को झेल रहा है, वहीं इस पे पूरी अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजहर हमारे साथ जुड़ेंगे। अजहर, क्या पूरा सिनेरियो है बाजार में कोरोना को लेकर के? जिस तरह से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, तो बाहर सड़कों पे क्या कुछ देखने को मिल रहा है? किस तरह का लोगों के बीच में भय है कोरोना को लेकर? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरह से पिछले 24 घंटों में जो उत्तर प्रदेश में मामले निकलकर सामने आए, वो लगभग 17,500 के ऊपर मामले सामने आए। वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो मामले हैं वो लगभग जो बीते 24 घंटे में लगभग 3,500 के ऊपर मामले सामने आए, तो कहीं ना कहीं ये काफी डराने वाले आंकड़े हैं। और दूसरी लहर में जैसा कि देखा गया था किस तरह से मामले आ रहे थे, तो ये पहला ऐसे 24 घंटे बीते हैं जिसमें इतने ज्यादा मामले देखने को सामने। और बात करें अगर हम बाहर सड़कों की या मॉलों की या तमाम तरह के बाजारों की, तो कहीं ना कहीं अभी वहां पे थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, क्योंकि काफी ठंड भी इतनी ज्यादा पड़ रही जिससे लोग बाहर नहीं निकले। लेकिन फिलहाल आज मौसम काफी साफ है, तो कहीं ना कहीं लोग बाहर निकल रहे हैं, तो इसकी वजह से भी संक्रमण काफी बढ़ता जा रहा है। और अगर हम बात करें बीते 24 घंटों की, तो उसमें मौतों का आंकड़ा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। लगभग 7 लोगों की मौत जो है वो हो गई है। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि रिकवरी रेट जो है वो काफी बढ़ रहा है, और जो जितनी ज्यादा टेस्टिंग हो रही है उसमें जो संक्रमितों की संख्या है वो काफी कम आ रही है। जी तो अजहर, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने वैक्सीन व कोविशील्ड के वैक्सकों को मंजूरी दे दी है, तो इसमें अभी वैक्सकों को लेकर क्या नई ताजा जानकारी है कि वो किस तरह से उसको बाजार में लाएंगे, क्या कुछ तरीका अपनाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा सके? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरह से 28 नवंबर बीते 4-5 महीने पहले जिस तरह से जो है बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक प्रपोजल DCGI को लिखकर दिया था, और इस बात का प्रपोजल था कि वो वैक्सीन को मार्केट में ला सके, जिस तरह से अभी आपातकालीन सेवा के तौर पे ही इस्तेमाल की जा रही थी वैक्सीनेशन, और वो ये प्रपोजल दिया गया था कि वो कैसे बाजारों में वैक्सीन दे सके। और उस पर तमाम तरह का विचार विमर्श करने के बाद, उन तमाम डेटाबेस का मूल्यांकन करने के बाद, अब DCGI ने फैसला लिया है कि इन वैक्सीन को बाजारों में लाया जा सकता है। और इसकी खास तौर से इस वैक्सीन लोगों को कैसे मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं वो वैक्सीन में जो जिन लोगों को वैक्सीनेशन कराना होगा, जो लोग वैक्सीन लेना चाहेंगे वो कोवैक्सीन में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और वैक्सीन लेने वाले की तमाम तरह की पूरी जानकारी वहां पर स्टोर की जाएगी और उसके बाद ही उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। जी अजहर, संपूर्ण राष्ट्र कोरोना की चपेट में है, ऐसे में आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, क्या चुनाव की वजह से कोरोना का बम और फूटेगा? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरह से चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक के इन तमाम रैलियों पे, तमाम जुलूसों पे, तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों पे रोक लगा दी थी, वहीं 22 जनवरी के बाद हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, कि चुनाव आयोग इस पे थोड़ी ढील दे सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये खतरे से बिल्कुल खाली नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से चुनावी रैलियां होती हैं, चुनावी जनसभाएं होती हैं, इसमें लोग काफी ज्यादा जुड़ते हैं। खास तौर से बात की जाए जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग होते हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं, वो काफी ज्यादा आते हैं, और कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल्स का काफी उल्लंघन देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जिस तरह से जो भीड़ है वो नेताओं को सुनने के लिए पहुंचती है, और वो तमाम तरीके की जो भीड़ है वो इकट्ठा होती है, जिससे कोरोना प्रोटोकॉल्स का काफी उल्लंघन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर 22 जनवरी के बाद चुनाव आयोग ने इन तमाम तरह के प्रतिबंधों को हटाता है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज्यादा कोरोना संक्रमण बढ़ने के चांसेस हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि निर्वाचन आयोग इस 22 तारीख के बाद इन प्रतिबंधों को हटाता है या लागू रखता है। जी धन्यवाद अजहर। जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, आगामी विधानसभा चुनाव कहीं इस तरह से कोरोना का बम ना फोड़ दे कि पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति भी बाकी के 5 राज्यों में बनी रहे।
तो ये रही अब तक की कुछ खास खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।